आजादी बचाओ न्यूज चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलापुर शहर 70 फुट रास्ते के परिसर में महापालिका की ओर से फुटपाथ पर सब्जी और फल बेचने वालों पर अतिक्रमण किया जा रहा है। इस बीच अपना माल फुटपाथ से लेकर निजी जगह पर रखे जाने पर वहां से भी महापालिका कर्मचारी माल को जब्त कर रहे हैं। कोई विवाद ना हो इसलिए पुलिस की मदद ली जा रही है। तभी एक महिला पुलिस कर्मचारी फल बेचने वाले बुजुर्ग व्यक्ति को अपशब्द का उपयोग करने का आरोप सब्जी व फल बेचने वाले लगा रहे हैं। दरअसल महापालिका रास्ते पर कोई ट्रैफिक ना हो इसलिए वहां से सब्जी बेचने वालों पर अक्सर कार्रवाई करती रहती है। ऐसा कहा जा रहा है कि आज बुजुर्ग व्यक्ति के साथ ऐसी हरकत करना महापालिका और पुलिस कर्मचारी की दादागिरी से कम नहीं है। महानगर पालिका हमारे माल जब्त करते पकड़ने गए तो क्या करते है नो? ये मैडम क्या बोलती है मालूम क्या क्या तो घान घान गाले देते आई बोलो छिड़ी देते माँ भान के ऊपर तुम्हारे समझता नहीं की अक्कल आते की नहीं हसीन मारा था ना फोन मेरा बाहर तुम्हारा फुटपाथ पर रहेंगे बाहर तुम हफ्ते भी लेंगे चलेंगे तो कैसा बोलेगा अंदर जब रखे तो वहाँ अंदर जो मालिक जगह में आपको दादा बोल के पाँव पड़ के रखेंगे तो तुम ये करे तो कैसा बोलेगा मैडम गाड़ी गाली तुम्हारा करते नहीं रे नाचियालो हे नाचियालो तुम्हारे अक्कल है कि नहीं अतिक्रमण रोडावर साहब इथं फुटपाथ आहे त्या साईडला फुटपाथ नाही तुम्ही काय करतो तुम्ही हप्ते घेऊन पांढऱ्या प्लेट चावलायला देतो फुटपाथवर तुम्ही गाडी लावायला देतो हप्ते घेतो ते हप्ते काढलेले तुम्ही क्लिप आहे माझ्यापाशी लागे माल में रखा प्राइवेट जगह पे माल था मेरा माल की जगह पे माल तुम अंदर लेके जा रहे मैं अपा दादा बोल के उनके पैर पड़ रहा तो भी उन्होंने नहीं सुन रहे तेरे पे आते गुनाह दाखिल करता ये करता वो करता बोरे हो साहब माल की जगह में आगे छुपे हो जुगाड़ को सहूलत है जुगाड़ चल गया रात को जागो दिखो उनको मारकर पालिए को दारू बांट लिया आजादी बचाओ न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। साथ ही साथ लाइक करें और शेयर भी करें।